बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद शरीफ, आई एम लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट ग्रेट कॉलेज सांगा। दिस इज़ माई सेकेंड लेक्चर एट सेंट कॉलेज लेक्चर यूट्यूब चैनल। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज थर्मोडायनामिक्स। दिस टॉपिक इज टेकन फ्रॉम क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5, एनर्जेटिक्स एंड केमिकल रिएक्शन। सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस पॉइंट्स, जिनके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर बात करेंगे कि भाई थर्मोडायनामिक्स है क्या। उसके बाद थर्मोडायनामिक सिस्टम्स के ऊपर बात करेंगे। आफ्टर दैट देर आर सम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। एंड आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन डेली लाइफ। और आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स है क्या। तो थर्मोडायनामिक जो है ना, थर्मोडायनामिक हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड थर्म एंड डायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जो है एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, थर्म एंड डायनामिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट एंड डायनामिक का मतलब होता है मोशन। इट मीन्स मोशन और फ्लो ऑफ हीट। थर्मोडायनामिक्स का जो मतलब है कि फ्लो ऑफ हीट और मोशन ऑफ हीट, या वी कैन से दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। थर्मोडायनामिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। थर्मोडायनामिक जो है फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम हीट और उसके अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि भाई हीट दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल, हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इन दो सारों एनर्जी के टाइप्स का हीट के साथ किस तरह का रिलेशन होता है, वो ये सब कुछ जो नाम क्या करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक तस्वीर हमने दी हुई है। ये पहले ज़माने में रेलगाड़ियों के अंदर जो है ना स्टीम इंजन इस्तेमाल होते थे, जिसके अंदर कोल को बर्न किया जाता था और उसमें से जो है ना वो इंजन वगैरह स्टार्ट होता था और रेलगाड़ी वगैरह चलती थी। तो ये सारे इस इंजन में क्या होता था कि भाई कोल को बर्न करते थे, कोल कंटेन केमिकल एनर्जी, जब उसको बर्न करते हैं तो वो हीट में कन्वर्ट होती है, ठीक है, और उस हीट में से जो है ना वो क्या है, वर्क जो है ना प्रोड्यूस होता है। उस वर्क की वजह से क्या है कि आपका इंजन जो है ना वो चलता है। तो इस तरह से जो है ना ये पहले आज के नाउअडेज जो है ना हमारे पास हीट इंजन आ गए हैं, ठीक है। तो ये भी हीट इंजन भी है और ये जो स्टीम इंजन है ये भी जो है थर्मोडायनामिक्स के ऊपर वर्क करते हैं। जिस तरह यहाँ पे हीट स्टोव है, ठीक है, घरों के अंदर हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं, गैस वगैरह होती है, गैस के अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो हीट के अंदर कन्वर्ट होती है। तो इसी वजह से भी जो है ना ये भी थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, मतलब जो है थर्मोडायनामिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी वजह से हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। हम अपने घरों के अंदर एयर कंडीशन यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह, जितनी भी जो है ना हीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या जहाँ पर हीट जनरेट होती है, तो ये सारे के सारे जो है ना वो क्या है कि थर्मोडायनामिक्स के ऊपर वर्क करती हैं। उसके बाद हम आते हैं स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि थर्मोडायनामिक्स के मतलब हम यहाँ पे वैसे थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स के अंदर भी पढ़ाया जाता है, हम यहाँ पे जो है ना केमिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा बहुत जो है ना थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्कोप की बात करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनामिक्स का क्या स्कोप है। तो सबसे पहले ये बताया है कि फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स टेल्स अस अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि अगर हम एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो थर्मोडायनामिक हमें ये बताता है कि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हमें ये नहीं बताता कि भाई कितना होगा, कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगी, नो। थर्मोडायनामिक्स हमें सिर्फ ये बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। दूसरे में है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि भाई एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो जो है ना अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना रिएक्टेंट का 100 ग्राम है तो प्रोडक्ट कितनी बनेगी, ठीक है ना, 50 ग्राम बन रही है, 70 ग्राम बन रही है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो भी हमें थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके बाद हीट कन्वर्ट इनटू वर्क एंड वर्क कन्वर्ट इनटू हीट, तो इन दो हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और वर्क को जो है ना हीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो भी हम जो है ना क्या करते हैं
थर्मोडायनामिक्स हमें ये बता दिया। उसके बाद देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थर्मोडायनामिक्स जो ना मतलब हमें उस चीज़ों के बारे में नहीं बताती। सबसे पहले उसके अंदर इट इग्नोर्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। थर्मोडायनामिक्स हमें एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताता ही नहीं है कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसकी हम जो ना वो सब कुछ डिस्कस ही नहीं करते थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ना हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ना न्यूट्रॉन की, ना प्रोटॉन की, कुछ भी नहीं। एटम के बारे में हम बात ही नहीं करते। हम जो ना थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बात करते हैं, बल्क प्रॉपर्टीज जो होती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। हम एटम की लेवल के ऊपर जो है ना थर्मोडायनामिक्स के अंदर बात नहीं करते, और थर्मोडायनामिक्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जिक्र ही नहीं करती। उसके बाद डज नॉट टेल एनीथिंग रिगार्डिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के जो ना एक रिएक्शन का मैं एग्जांपल देता हूँ भाई, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो उसमें से वाटर बनता है, ठीक है। तो जनरली ये रिएक्शन होता है, इस तरह नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कि वाटर नहीं बनता, लेकिन ये रिएक्शन इतना स्लो है कि हम इस रिएक्शन की स्पीड को जो है ना मेजर ही नहीं कर सकते कि भाई व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कि भाई जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिक्सअप होंगे तो वाटर बनेगा, वो कितना जल्दी बनेगा, उसके लिए जो ना कितना टाइम चाहिए, वो टाइम या रेट ऑफ रिएक्शन जो ना हमें नहीं बता रहा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो ना हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर बात नहीं करते। उसके बाद इट कंसर्न्ड ओनली विद इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, के भाई हमारे पास जो है ना फॉर एग्जांपल के एक ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ी देर के बाद जब हम उसको हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर हो जाता है 100। तो हमें उससे मतलब नहीं है कि भाई 50 में से 100 में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो उसमें से मतलब नहीं है। हमें ये है कि भाई पहले टेम्परेचर इतना था, अब इतना है, अब वो कैसे जो है ना बढ़ता है उस चीज़ को हम देखते ही नहीं है, जस्ट अब इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर की बात करेंगे। तो थर्मोडायनामिक जो है ना हमें पाथ का बताता ही नहीं है कि भाई किस तरीके से रिएक्शन होता है, हमें जस्ट बताता है कि भाई पहले ये चीज़ थी, अब हमारे पास ये चीज़ है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। तो उसके बाद जो है ना थर्मोडायनामिक्स के अंदर कुछ टर्म्स हैं, हम उसकी बात करते हैं कि बेसिक टर्म्स थर्मोडायनामिक्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। उनके अंदर सबसे पहले जो है ना हम सिस्टम की बात करते हैं, व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज अंडर एग्जामिनेशन। ये यूनिवर्स का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट है जिसकी हम स्टडी करते हैं, जिसके ऊपर जो है ना हमारा फोकस रहता है, तो उसको जो है ना हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बीकर दिया गया है, इस बीकर के अंदर कुछ सॉल्यूशन है। अब हम ये देखेंगे भाई इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है। तो ये बीकर के अंदर जो भी है ना, दिस इज आवर सिस्टम, क्योंकि हम उस बीकर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो दिस इज आवर सिस्टम। उसके बाद है सराउंडिंग, इट इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच मे एक टर्म सिस्टम। सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जितना भी जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो हमारा सराउंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बीकर का बताया, भाई बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है दिस इज अवर सिस्टम, क्योंकि हम उसके ऊपर जो है ना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वी इट इज अंडर एग्जामिनेशन, उसके ऊपर जो है ना हम फोकस है कि भाई किस तरह के रिएक्शन या किस तरह की जो है ना वो चेंजेस उसके अंदर आ रही है। बाकी इस बीकर के अलावा इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज है वो आपकी सराउंडिंग है। उसके बाद बाउंड्री, इट इज रियल और इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। तो ये एक ऐसी लाइन है, वो रियल भी होती है, इमेजिनरी भी होती है, जो सिस्टम को सेपरेट करती है सराउंडिंग से, ठीक है। वो आपके एक्सटेंट ऑफ सिस्टम को बताती है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सिस्टम है, बाकी सारा सराउंडिंग है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल हमने जैसे जो ना क्रिकेट का ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो ना ज़्यादातर मैच चलता रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैच चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो बीच में जो ना दिस इज अवर सिस्टम, क्योंकि जो बाहर जो भी बंदे बैठे हुए हैं जो देखने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई ये जो एरिया है ना क्रिकेट ग्राउंड का, दिस इज अंडर एग्जामिनेशन, ये फोकस के अंदर है कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह जो ना फील्डिंग या जो भी कुछ होता है, तो वो सारा जो ना आपका क्या है, सिस्टम। बाकी जो बाहर वाला जो भी सराउंडिंग है, बाहर वाला जो भी रिमेनिंग पार्ट है, वो आपका क्या है, वो सराउंडिंग है। बाकी इसके अंदर एक बाउंड्री लाइन है जो इन जो अंदर वाले सिस्टम को बाहर वाला जो मतलब देखने वाले लोग हैं उनको उनसे सेपरेट कर दिया है, तो उसको हम बाउंड्री कहते हैं। तो जो ना
तीन, एक सिस्टम हो गया दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर एग्जामिनेशन, एक बाउंड्री हो गई, मतलब जो है ना सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट होता है यूनिवर्स का वो आपका क्या है बाउंड्री जो सराउंडिंग है, और एक आपकी जो ना वो क्या हो गई बाउंड्री हो गई। बाउंड्री एक वो लाइन होती है दैट मे बी इमेजिनरी दैट मे बी रियल, जो आपके सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करती है सेपरेट करती है। और ज़्यादातर जो है ना सराउंडिंग का इफेक्ट भी सिस्टम के ऊपर होता है, जो इमीडिएट सराउंडिंग होती है जो उसकी इर्द गिर्द होती है, बाकी जो ना दूर दूर तक हम बात नहीं करते, जो इमीडिएट सराउंडिंग होती है इट मे इफेक्ट ऑन सिस्टम। उसके बाद हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स हैं, उनकी बात करते हैं कि भाई थर्मोडायनेमिक सिस्टम कौन कौन से हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हमने तीन जो है क्लासेस के अंदर जो है उसको डिवाइड किया है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इन तीनों को हम जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भाई ये किस तरह हो। यहाँ पे हमने एक फिगर दिया हुआ है, ये दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कैसे है भाई, ये इसका ढक्कन वक्कन पूरा खुला हुआ है, इसमें हम सॉल्यूशन को निकाल भी सकते हैं, इसके अंदर और भी डाल सकते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये सारा इसकी जो वाल्स हैं ये भी क्या हो जाएंगी, सारी हीट अप हो जाती हैं। इसी तरह ये आपका जो क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम के ऊपर इसके और इसमें फर्क है, इसका ढक्कन हमें बंद किया है, इसके अंदर सॉल्यूशन हम ना डाल सकते हैं ना इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसकी भी वाल्स क्या हो जाएंगी, क्या हीट अप हो जाएंगी। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर ना आप कोई चीज़ डाल सकते हैं ना इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप इसको हीट अप भी करेंगे ना तो भी इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड, मतलब बिल्कुल जो है ना वो सेपरेट, बिल्कुल भी मतलब उसके ऊपर किसी भी चीज का कोई भी असर ना हो। तो सबसे पहले हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें से एनर्जी एंड मैटर जो होता है वो इजीली सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सके। जिस तरह यहां पे एक एग्जांपल हमने दिया हुआ है कि भाई एक बर्तन है उसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है, उसको हमने क्या किया है कि भाई हीट, इसको हम हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है कि ये बर्तन की जो वाल्स हैं लाजमी है ये हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी इसमें से बाहर निकलती है। और भी जब हम इसको इतना और इसमें से जो वाटर फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है तो वाटर भी क्या होता है कि एवोपरेट होता रहता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो मैटर है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो आपका एवोपरेट हो रहा है, मतलब वो आपका बाहर निकल रहा है। इसके अंदर हम दूसरा पानी डाल भी सकते हैं तो वाटर कैन एक्सचेंज, या आप यहाँ पे कहते हैं मैटर भी जो है ना क्या है कि इस सिस्टम के अंदर एक्सचेंज हो रहा है, और एनर्जी भी क्या हो रही है यहाँ से जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो एनर्जी इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और एनर्जी जो है ना इसमें से जब ये हीट अप हो रहा है तो इसमें से एनर्जी बाहर भी निकल रही है। तो सराउंडिंग के साथ क्या है कि ओपन सिस्टम क्या करता है कि अपना मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि इन दिस सिस्टम द बाउंड्री इज ओपन एंड अनइंसुलेटेड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बाउंड्री होती है वो सिस्टम की वो ओपन होती है, और जो है ना वो क्या है अनइंसुलेटेड होती है, मतलब कंडक्टिंग बाउंड्री होती है, वो आपके हीट को कंडक्ट कर सकती है। तो इसकी वजह से क्या है कि इसको हम क्या कहते हैं ओपन, ये ऊपर से खुला हुआ है मतलब इसकी बाउंड्री ओपन है, और इसकी वाल्स हीट अप हो रही है, मतलब दीज आर कंडक्टिंग या अनइंसुलेटिंग हम इसको कह सकते हैं। तो इसकी बाउंड्री ओपन और अनइंसुलेटेड की वजह से क्या है कि भाई दिस सिस्टम कैन एक्सचेंज इट्स मैटर एंड एनर्जी, ये एक्सचेंज कर सकता है। उसके साथ यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है भाई एवोपरेशन ऑफ वाटर हो रही है, वापस प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो एक्सचेंज ऑफ मैटर भी हो रहा है। ठीक है, जब इसको जब ये हीट अप होता है तो लाजमी है टेम्परेचर इसका बढ़ता है, जब ये वापस प्रेसिपिटेट होता है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, तो एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है और क्या हो रहा है कि मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग को भी एज ए ओपन सिस्टम का जो है एग्जाम्पल दिया जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम इज ह्यूमन बींग, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हम एनर्जी फूड के फॉर्म में लेते भी है, और स्वीटिंग जब पसीना वगैरह आता है तो वो एनर्जी हमारी बॉडी से बाहर भी निकलती है। इसी तरह हम मैटर फूड वगैरह खाते भी हैं और हमारी बॉडी में से जो मतलब जो खराब मटेरियल है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाता है। तो मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। उसके बाद हम आते हैं क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम में क्या है कि क्लोज सिस्टम जो है इसके अंदर मैटर एक्सचेंज नहीं होता लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता। जिस तरह यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल है, ये सेम वही है लेकिन इसके और ओपन सिस्टम फर्क है, इसको हमने ढक्कन दिया हुआ है तो इसकी बाउंड्री जो है ना पूरी की पूरी क्लोज है, कहीं से भी खुली हुई नहीं है। तो लाजमी आप इसको जितना भी हीट करेंगे इसके अंदर अगर वाटर है तो वो आपका बाहर निकलेगा ही नहीं।
ठीक है, वेपर्स बनेंगे लेकिन वेपर्स इसके अंदर ही बढ़ रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऊपर से हमने इसका ढक्कन बंद किया हुआ है, दिस इज क्लोज सिस्टम। बाकी इसकी जो वाल्स हैं दीज आर कंडक्टिंग, ये कंडक्ट होती हैं, ये हीट कंडक्ट कर सकते हैं, तो इसमें से एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं इनको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है, मतलब ऐसा सिस्टम जो एनर्जी और मास दोनों को सराउंडिंग के साथ क्या करे, एक्सचेंज कर सके, तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे हमने एक अर्थ का एग्जांपल, अर्थ को ऐसे क्लोज सिस्टम लिया जाता है क्योंकि अर्थ में से सन की एनर्जी आती है, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ जो ना वापस चली जाती है, तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो अर्थ इज एक्टिंग एज ए क्लोज सिस्टम, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि क्लोज सिस्टम में जो बाउंड्री होती है वो पूरी की पूरी सील होती है, जो ना क्लोज होती है, बाकी आपका जो वाल्स होती हैं दीज आर अनइंसुलेटेड, या आप इसको कंडक्टिंग बाउंड्री कह सकते हैं। उसके बाद आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल सेपरेट, ठीक है, जिसका सराउंड, जिसके ऊपर सराउंडिंग का कोई भी इफेक्ट ना हो, ना ही उसका सराउंडिंग के ऊपर इफेक्ट हो, तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। मतलब क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ना तो जो है ना सराउंडिंग के साथ मैटर एक्सचेंज करता है, ना वो एनर्जी एक्सचेंज करता है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, बिल्कुल अलग, एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग, उसका सराउंडिंग के साथ कोई भी वास्ता नहीं है, कोई भी उसका जो ना इंटरेक्शन नहीं होता सराउंडिंग के साथ, इट डज नॉट ट्रांसफर बोथ मास एंड एनर्जी टू एंड फ्रॉम इट सराउंडिंग, वो सराउंडिंग और ना सराउंडिंग से मास एक्सचेंज करता है, ना उसको देता है ना लेता है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो क्योंकि वो बिल्कुल ही जो है ना वो क्या है, वो डिपेंड कर उसको, वो इसलिए क्योंकि इन दिस सिस्टम बाउंड्री सील्ड एंड इंसुलेटेड, तो इसकी जो बाउंड्री होती है ना वो सारी सील्ड भी होती है और इंसुलेटेड भी होती है, एक तो बाउंड्री सारी क्लोज है और दूसरी वो बाउंड्री जो है नॉन कंडक्टिंग है, वो हीट कंडक्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो ना सराउंडिंग के साथ एनर्जी और ना मास क्या करता है, एक्सचेंज कर सकता है। जिस तरह आपने थर्मास हमारे घरों के अंदर पड़े होते हैं, हम उसके अंदर चाय डालते हैं तो वो ज़्यादा देर तक जो है ना वो उसी टेम्परेचर को उसी मतलब गर्म रहती है, ठीक है, वैसे थर्मास भी जो है ना 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है लेकिन ज़्यादा हद तक जो है ना वो एज ए आइसोलेटेड सिस्टम जो है ना वो काम करता है। यूनिवर्स की बात करते हैं, यूनिवर्स को एज एन आइसोलेटेड सिस्टम जो है ना एग्जाम्पल लिया जाता है क्योंकि पूरा का पूरा अगर यूनिवर्स लेंगे तो वो यूनिवर्स मतलब जो है ना वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम, वो भी अपने उसका जो ना को ना वो मास और इस तरह जो एनर्जी वगैरह वो एक्सचेंज नहीं करता। इन रियली कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज, ठीक है ना, वो हकीकत में अगर 100% अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम एज एन आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, जिस तरह थर्मास का मैंने आपको बताया या हम यूनिवर्स की बात करते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, तो इनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है दो टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो सिस्टम के अंदर जो मैटर आपका प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, क्वांटिटी कितनी भी हो वो प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी। जिस तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह प्रेशर है, फॉर्मूला हम टेम्परेचर की बात करते हैं, भाई आपके पास गिलास ऑफ वाटर है, आप उसको क्या करें कि उस वाटर को आप बॉयल करें, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट वाटर की आपको पता है कि भाई 100 के ऊपर वाटर बॉयल हो जाता है, तो उस गिलास ऑफ वाटर क्या करेगा, 100 के ऊपर बॉयल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरा गिलास लेते हैं लेकिन आधा पानी का लेते हैं, तो आधे पानी को अगर आप हीट करेंगे तो वो भी 100 के ऊपर बॉयल होगा। इसका मतलब है कि आपके पास वाटर की क्वांटिटी कितनी भी हो, हाफ ग्लास हो या फुल हो, उसकी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सेम रहेगी, मतलब टेम्परेचर उसका क्या है, ऑलवेज सेम, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है ना, तो अगर गिलास का चौथा ऐसा कर दो, उसको अगर बॉयल करो तो वो भी 100 के ऊपर बॉयल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर की हमेशा सेम रहेगी क्वांटिटी कितनी भी हो। पूरा जग ले लो, पूरी बकेट ले लो, गिलास ऑफ वाटर ले लो, आधा ले लो, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सेम रहेगी। इस तरह डेंसिटी है, ठीक है, आधा गिलास सेम वाटर की आप एग्जाम्पल ले लो, या शहद ले लो, भाई शहद का गिलास ले लो या आधा गिलास ले लो, उसकी डेंसिटी सेम ही होगी, उसका जो डेंसिटी है ना वो कितना डेंसर है वो
बिल्कुल मतलब जो है ना क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, कितनी भी क्वांटिटी ड्रॉप ले लो उसकी डेंसिटी जो है ना पूरे एक ड्रॉप के अंदर, अगर पूरा गिलास है तो उसके अंदर, अगर आधा गिलास है तो उसके अंदर भी सेम रहेगी। तो डेंसिटी भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो भी आपकी क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस तरह यहाँ पे हमने डायमंड लिया हुआ है, अब डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, अब इस डायमंड को हम जो ना दो हिस्सों में अगर आप तोड़ेंगे तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कोई भी जो ना वो क्या होगा के इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो डायमंड पूरा का पूरा जो ना एक जैसा हो, उसकी अंदर अगर फॉर्मेशन देखेंगे ना एटम्स की, जो कार्बन कार्बन के अंदर बॉन्डिंग है वो सारी एक जैसी है। आप कहीं से भी डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेक करें वो क्या होगा, हर जगह से जो ना वो सेम होगा। अगर आप डायमंड को दो हिस्सों में तोड़ेंगे ना तो भी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कंसंट्रेशन है भाई, आपके पास एक सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है 100 ml के अंदर, उसकी मोलरिटी है 1 molarity, हमने उस सॉल्यूशन को दो हिस्सों में कन्वर्ट किया भाई, 500 ml एक साइड किया, 500 ml दो साइड किया। अगर हम कहेंगे भाई 500 ml जो हमने किया उसकी मोलरिटी आधी आधी हो गई, नो, मोलरिटी उसकी भी 1 होगी, उसकी भी 1 होगी। तो कंसंट्रेशन जो है, मोलरिटी आपने पढ़ी, हमने पढ़ी है, नॉर्मेलिटी है, तो ये सारी कंसंट्रेशन जो है आपकी क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी सेम रहती है, वो भी आपकी क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्वांटिटी ऑफ मैटर चाहे कितनी भी हो, ये सारी प्रॉपर्टी, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, डेंसिटी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमेशा सेम रहेंगी। उसके बाद है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है दैट डज डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आपके सिस्टम के अंदर जो मैटर है उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरह यहाँ पे वॉल्यूम है, ये एक एग्जांपल लिया भाई, यहाँ पे हमने गिलास लिया हुआ है वाटर का, यहाँ पे आधा गिलास है, तो यहाँ पे जो ना पानी ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा है, यहाँ पे पानी कम है तो उसका वॉल्यूम भी कम है। तो थोड़ी जगह ली हुई है ना इसने गिलास के अंदर, इसने गिलास के अंदर ज्यादा जगह ली। वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस, तो यहाँ पे वाटर ने ज्यादा जगह ली हुई है, यहाँ पे वाटर ने कम जगह ली हुई है। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम आपका क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। इस तरह जो है नंबर ऑफ मोल्स लाजमी है, इस पानी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। इस तरह एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी भी जो ना यहाँ पे एंट्रोपी क्या डिसऑर्डरनेस होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा मालिक्यूल है तो इसकी डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो सकती है, यहाँ पे कम मालिक्यूल है तो इसकी डिसऑर्डरनेस जो ना कम हो सकती है। तो इसी तरह से जो ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आपके क्वांटिटी ऑफ मैटर जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद हम स्टेट ऑफ सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो स्टेट ऑफ सिस्टम को थोड़ा, इसको जो ना मैं बोर्ड के ऊपर पहले आपको मैं बता देता हूँ कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक हमने जो है ना इसके अंदर गैस ली हुई है, ठीक है, कोई भी गैस है, या आप मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लें जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि भाई एक हाइड्रोजन गैस लेते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड, दो गैसेस का हमने मिक्सचर लिया हुआ है। इस स्टेट ऑफ सिस्टम का आप एग्जांपल यू ले, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, आपने एक जो ना गाड़ी खरीदी है या कार वगैरह हमने खरीदी है, ठीक है, तो अगर आपका दोस्त जो ना आपको फोन करता है कि भाई गाड़ी की जो ना कंडीशन का बताओ कि भाई गाड़ी किस तरह की है ये वो, तो आप उसको क्या बताते हैं कि आप उसको ये बताएंगे कि भाई इसका कलर ये है, ठीक है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, इसके अंदर टायर वगैरह इस कंपनी के लगे हुए हैं, ये मतलब जो भी उसके अंदर फीचर्स होते हैं वो सारी चीज़ें जो ना आप मतलब उसके साथ शेयर करते हैं, तो वो फीचर्स जो है ना आपको बताता है कि भाई गाड़ी की कंडीशन ये है, ठीक है, तो या आप उसको जो ना स्टेट ऑफ व्हीकल्स भी आप उसको कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो ना ये क्या कहा कि हमने गैस भरी हुई है, इसके अंदर हम क्या बताते हैं कि भाई इस गैस का टेम्परेचर जो है T1 है, प्रेशर V1 है, वॉल्यूम जो है ना प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें बताती हैं कि इस सिस्टम के जो सिस्टम है, ये सिस्टम की कंडीशन आपके पास ये है भाई, इसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके सिस्टम के डिस्क्राइब करती हैं, ठीक है, आपके सिस्टम की स्टेट को या सिस्टम की कंडीशन को डिस्क्राइब करती हैं कि आपके पास सिस्टम जो है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज की जो ना वैल्यूज ये है। मतलब स्टेट ऑफ सिस्टम को आप यूं ले लें कि भाई इससे इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम की पूरी डिस्क्रिप्शन है,
जो हमें पता चलेगा कि भाई उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यूज जब हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई इस सिस्टम की जो स्टेट है वो ये है। यहाँ पे जिस तरह ले भाई कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम के बारे में जो कंप्लीट नॉलेज हमें है कि भाई ये सिस्टम जो इसकी प्रॉपर्टी ये प्रेशर इतना, टेम्परेचर इतना, वॉल्यूम इतना, इसके अंदर इतना जो ना मैटर पड़ा हुआ है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है आपके सिस्टम को डिफाइन कर रही है। तो आपका सिस्टम जो है ना फिलहाल इस कंडीशन के ऊपर है तो इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। जिस तरह यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम विच इंक्लूड वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम विथ डेफिनेट वैल्यूज डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम। अगर इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज फिक्स्ड हैं, डेफिनेट हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई हमारे सिस्टम की जो स्टेट है वो ये है। तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या बताता है कि आपके पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है भाई टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जो भी है, तो दीज प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ सिस्टम, वो प्रॉपर्टी जो आपके सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल, या इनको थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, या वो प्रॉपर्टी जो आपके सिस्टम को डिफाइन करें। तो ये जो आपके स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस हैं या थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये डिपेंड करते हैं कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। इसको थोड़ा मैं जो है ना करूँगा कि फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम है ये, उसके पास आपके की प्रॉपर्टी हमारे पास जाएगी T1, P1, V1। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के बाद हम इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, टेम्परेचर को मैं चेंज करता हूँ, या मैं वॉल्यूम को चेंज करता हूँ, या मैं प्रेशर को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि सेम आप सिस्टम लेते हैं, इसके अंदर सेम गैसेस हैं, लेकिन अब आपके पास क्या है कि टेम्परेचर T2 है, वॉल्यूम आपका वही है, और प्रेशर आपका सॉरी वही है, और वॉल्यूम भी आपका क्या है सेम है। अब आपने क्या किया कि सिर्फ टेम्परेचर को चेंज किया तो आपके सिस्टम की जो मतलब जो स्टेट थी, जो पहले जो आपके सिस्टम की स्टेट, अब वो एक नई स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट, और इसको हम क्या कहते हैं फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई टेम्परेचर T1 से T2 5 इसका पहले टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब इसका टेम्परेचर क्या है 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि भाई ये 20 से 80 कैसे हुआ, ठीक है ना, 20 से 80 कैसे हुआ, हमें इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। स्टेट ऑफ सिस्टम हमें ये बताता है कि भाई पहले टेम्परेचर 80 था, अब 20 है, हमें जस्ट इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में बताता है, हमें ये नहीं बताया कि भाई 20 से 80 लाजमी है, 20 से 80 कैसे हुआ, उसका लाजमी पहले 30, 40, 50 इस तरह बढ़ा होगा, लेकिन उसके बारे में हमें जो है ना ये बताता ही नहीं है। थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि थर्मोडायनामिक्स जस्ट हमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के बारे में बताता है। तो स्टेट ऑफ फंक्शन में क्या होता है कि जब हम एक ही पैरामीटर को चेंज करते हैं तो आपके सारे के सारे जो सिस्टम है उसकी स्टेट जो है ना वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, तो आपका सिस्टम एक नई स्टेट में आ जाता है, जो आपका वहाँ पे फाइनल स्टेट होगी यहाँ पे इनिशियल स्टेट होगी। अब इसके अंदर चेंज किस तरह आती है कि भाई फाइनल को इनिशियल में से जब आप माइनस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम की जो स्टेट है उसके अंदर कितनी चेंज आई है। जिस तरह यहाँ पे चेंज इन एनी ऑफ दीज वेरिएबल डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम बट डज डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय सिस्टम। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे डेल्टा TF का मतलब है चेंज इन जो चेंज इन सिस्टम है, या चेंज इन आप टेम्परेचर कह सकते हैं जहाँ पे हमने टेम्परेचर को चेंज किया है। तो फाइनल टेम्परेचर आपका क्या है, इनिशियल टेम्परेचर पहले क्या था, तो उन दोनों में से जब आप उसको डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चलेगा इतना टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, उसके सब मतलब नहीं कि भाई कैसे चेंज हुआ, जिस तरह यहाँ पे हमने दिया हुआ था यहाँ पे टी में यहाँ पे सॉरी टी आई इनिशियल टेम्परेचर, टी है फाइनल टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे दूसरा है भाई टी आई टी एफ, लेकिन यहाँ पे क्या है पहले यहाँ जाता है फिर यहाँ जाता है फिर यहाँ जाता है। ठीक है, हमें इससे मतलब हमें ये है कि भाई इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। अब ये कैसे भी यहाँ पे पहुंचा वो इसके बारे में हमें थर्मोडायनामिक्स बताया ही नहीं है। ठीक है, पाथ जो फॉलो करता है ना हम उसके बारे में थर्मोडायनामिक के ऊपर डिस्कस नहीं करें, उसके लिए हमारे पास कुछ और क्वांटिटीज हैं जिनको पाथ फंक्शन कहा जाता है, इनको हम क्या कहते हैं स्टेट फंक्शन कहते हैं, जो हमें सिर्फ स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में बताता है। उसके बाद हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी का बताया कि भाई इंटरनल एनर्जी जो है
वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो सम ऑफ एनर्जी होती है, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। एक सिस्टम के अंदर लाजमी है, फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम होता है उसके अंदर जो है ना डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल एक गैस लेते हैं, कोई भी आइडियल गैस लेते हैं। आइडियल गैस के अंदर क्या होता है कि सारे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने पढ़ा है, अभी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है कि उसके अंदर जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन मोशन, वो सारी मोशन के फॉर्म में होते हैं। तो जो भी मॉलिक्यूल्स मोशन के फॉर्म में होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ज़्यादातर जो आइडियल गैसेज हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो ना होती है, बाकी और भी एनर्जीज हो सकती हैं उनके अंदर, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल, पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सारी एनर्जी को जब हम सम अप करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। Sum of all possible kinds of energy of system is called internal energy. It may be chemical, electrical, mechanical or any other. तो इन सारी क्या एनर्जी के फॉर्म को जब हम सम अप करते हैं तो वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अब जो इंटरनल एनर्जी है, द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। अभी हमने पढ़ा कि क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर जो प्रॉपर्टी आपकी डिपेंड करती है उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी आपकी है, इट इज क्लास एज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज स्टेट फंक्शन, ये भी स्टेट फंक्शन है। डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये भी अभी मैंने आपको बताया कि जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जो ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे करेंगे, फाइनल को इनिशियल में से कट करेंगे तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। भाई जब सिस्टम आपका एक स्टेट में होता है दूसरी स्टेट में जाता है तो उसके अंदर क्या चेंज है, उसको हम कैपिटल ई से, ज़्यादातर कैपिटल ई से लिखते हैं, कैपिटल यू से भी किन किन बुक्स के अंदर या किन किन जगहों में कैपिटल यू भी लिखा जाता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कब चेंज होती है उसके लिए ये तीन है, हीट पास इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम को हम हीट दें तो भी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि हीट करने से क्या होगा, मोशन ऑफ पार्टिकल बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है। हीट उसको उसमें से जो है ना बाहर निकालें तो भी जो है ना उसकी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, किसी भी चीज़ के ऊपर वर्क करें तो भी उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आती है। अगर उसमें से जो है ना मतलब कोई सिस्टम वर्क करे या उसके ऊपर वर्क किया जाए तो भी जो ना उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। मैटर एंटर और लीव द सिस्टम, किसी भी सिस्टम में से हम कोई मैटर एंटर करें या उसमें से बाहर निकालें, क्योंकि मैटर एंटर करने से क्या होगा कि नंबर ऑफ जो है ना आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ेगी, जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। अभी हमने पढ़ा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और क्वांटिटी जितनी कम होगी इंटरनल एनर्जी कम होगी, तब भी मैटर आप ऐड करें या उसमें से बाहर निकालें तब भी आपकी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। उसके बाद कुछ थर्मोडायनामिक के अंदर थर्मोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो ही मतलब हीट की एनर्जी चेंजेस की वजह से जो है ना रिएक्शंस होते हैं। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन है, केमिकल रिएक्शन विच आर अकंपनीड बाय एनर्जी चेंज विद मटेरियल चेंज आर जनरली नोन एज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। कैसे होंगे, जब एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगी तो मटेरियल भी चेंज होगा, मतलब रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज बनता है और प्लस में ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज ज्यादातर हम फूड इसको कहते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर बाय रूट्स जमीन में से लेते हैं, तो सोलर एनर्जी जब उनके साथ एक्ट करती है तो सोलर एनर्जी क्या है उसके साथ ऐड हो जाती है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तो ये फूड बनता है और ऑक्सीजन बनती है। इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी इन हो रही है। अगर इस रिएक्शन को जब हम फूड जो प्लांट्स खाते हैं बनाते हैं, जब हम वो फूड खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो ये फूड क्या करता है कि जो उसके हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उसकी वापस जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, वो इसके साथ रिएक्शन के वापस रिएक्शन इसको बैक करेंगे तो वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें से क्या है, हमें एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी हम फॉर वर्क पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं उस एनर्जी को हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटीपी। एटीपी है, एटीपी जो है ना एक कंपाउंड का नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको बायोलॉजिकल टर्म में इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है ना इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है। इसके साथ प्लस में जो है ना हीट हमारी बॉडी से निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, दो थर्मोकेमिकल रिएक्शन विच आर अकंपनीड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब रिएक्शन को दी जाती है तभी वो रिएक्शन होते हैं, उस विदाउट जो है ना एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी वो रिएक्शन नहीं होते। जिस तरह रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है। अगर आप उसको एनर्जी नहीं देंगे तो
जो ना उसको रखे हुए बैठे वो आपका रिएक्शन होगा ही नहीं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की वजह से होते हैं। जिस तरह मेल्टिंग ऑफ आइस है, आप आइस को मेल्ट करते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं, हिलाते हैं, या आइस का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर होता है, जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब वो एनर्जी क्या कर रहा है, एटमोसफेयर से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब है इन, थर्म का मतलब है हीट, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी इन हो। उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोस थर्मोकेमिकल रिएक्शन व्हिच आर अकंपनीड बाय इवोल्यूशन और रिलीज ऑफ एनर्जी। ऐसे रिएक्शन जो एनर्जी के मतलब डिस्चार्ज होने की वजह से जो ना वो रिएक्शन आपके हो, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है आउट, थर्मो का मतलब है हीट। जिस तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी आपकी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो दीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस तरह यहाँ पे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, हम पानी को फ्रिज के अंदर रखते हैं, पानी का टेम्परेचर ज्यादा होता है फ्रिज के अंदर रखते हैं तो टेम्परेचर कम होकर उसको आइस में कन्वर्ट कर देता है, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की ये जो है ना एप्लीकेशन जो डेली लाइफ के अंदर है उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तो जरा वेरियस एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ हमने यहाँ पर लिखी है, आर टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, जितनी भी हमारे पास गाड़ियाँ वगैरह हैं, कार्स, मोटरसाइकिल, ट्रक्स, शिप्स, एरोप्लेन्स एंड मैनी अदर टाइप्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डिफरेंट लॉज हैं, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो भी हम फर्स्ट लॉ हमारे कोर्स के अंदर इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर ये सारी जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारी उसके ऊपर जो है ना वर्क करती हैं। उसके ऊपर दे मे बी यूज पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ज्यादातर इंजन के अंदर जो बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है उसके अंदर हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं। ऑल रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीजर्स, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ऑल टाइप्स ऑफ एयर कंडीशन सिस्टम, हीट पंप, वर्क्स ऑन बेसिस ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जितने भी हमारे पास कूलिंग मशीन है वो भी आपके थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के ऊपर वर्क करती है। All types of air and gas compressor, blowers, fans run on the various thermodynamic cycles. और भी हमारे पास compressor, gas compressor हैं, blowers हैं, fans हैं, ये भी thermodynamics की cycle या thermodynamics के laws के ऊपर जो है ना work करते हैं। जिस तरह यहाँ पे कुछ example दिए हुए हैं, यहाँ पे energy transformation है, भाई आइसक्रीम खा रहा है बच्चा तो उसके अंदर energy आ रही है, वो cycle चला रहा है। इसी तरह solar energy जब plants के ऊपर पड़ रही है तो plants अपना food भी produce कर रहे हैं और उनकी जो है ना वो growth भी हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। फ्रीजिंग में क्या होता है, यहाँ पे भी टेम्परेचर आपका रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी पड़ा। एनर्जी इन ह्यूमन लाइफ, हम फूड खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, वही एनर्जी हम फॉर वर्क पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंजन है, इंजन के अंदर अभी बताया कि बर्निंग ऑफ फ्यूल होती है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है तो आपका पिस्टन वगैरह तो वर्क करता है, तो उसमें से आपका वर्क होता है तो आपकी गाड़ी भी चलती है। एयर कंडीशन है, हमारे रूम को ठंडा वगैरह करती है क्योंकि उसका भी टेम्परेचर रुक क्या करती है, डिक्रीज करती है, वो भी थर्मोडायनामिक के ऊपर जो ना वो काम करती है। थर्मल पावर है, ये भी थर्मोडायनामिक्स के लॉज के ऊपर जो ना वो क्या करता है, वर्क करता है। तो दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन रियल लाइफ, ठीक है ना। उसके बाद हम लेक्चर को समराइज करते हैं कि भाई इस लेक्चर के अंदर आज हमने क्या सीखा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये है कि भाई थर्मोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। थर्मोडायनामिक्स हमने ये पढ़ा कि भाई इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर, हीट वर्क के अंदर कन्वर्ट होती है, वर्क हीट के अंदर कन्वर्ट होता है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़े, थर्मोकेमिकल रिएक्शन दो टाइप के हैं, जिसमें इवोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की वजह से वो थर्मोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। इवोल्यूशन की वजह से एक्सोथर्मिक होता है, एब्जॉर्प्शन की वजह से एंडोथर्मिक होता है। उसके बाद थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात की, वो डिपेंड करता है एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी कैसे होगा, वो आपकी बाउंड्री के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बाउंड्री कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है, ओपन है, सील्ड है, वो सारी चीज़ें जो है ना आपके सिस्टम को डिफाइन करती है। चेंज इन सिस्टम आप पर डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर। सिस्टम पहले उसके पैरामीटर्स ये थे, अब पैरामीटर्स आपके ये हैं, तो इसके अंदर कौन सी चेंज आई वो आपका फाइनल और इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, वो हमें बता देंगे भाई एटमॉस्फेयर के अंदर या इस यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है वो सारी कंजर्व्ड है। एनर्जी जो है ना बनती है ना खत्म होती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, वो उतनी की उतनी होती है। ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, कूलिंग मशीनरीज, कंप्रेसर एंड फैंस वर्क्स ऑन बेसिस ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जितनी भी व्हीकल्स हम चलाते हैं, जितनी भी कूलिंग मशीन है, फैंस हैं,
जना वो कंप्रेसर्स हैं, जितने भी मतलब और भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल्स हमने जो ना ऊपर पढ़े हैं, तो ये सारे के सारे थर्मोडायनामिक्स के ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर, ठीक है। इंशाल्लाह आगे भी हम नए नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। तो जाने से पहले कैट कॉलेज सांगड़ की तरफ से मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है ना बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ हमारे इस लेक्चर को सुना। आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें जो है ना इस लेक्चर में से सीखी होंगी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी जो है ना आपकी ख़त्म हो गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।